हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 8 का चैप्टर स्टार्ट किया था, आवर हेल्थ डिजीज एंड प्रिवेंशन। इस क्लास में हमने बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ और वायरस से होने वाली डिजीज़ या फिर प्रोटोजोआ से डिजीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स ऑफ डिजीज़ बाय वर्म्स। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ डिजीज़ बाय वर्म्स एंड सम स्पेसिफिक डिजीज़। कुछ ऐसे डिजीज़ होती हैं जो स्पेशल होती है, जिनके कुछ स्पेसिफिक कॉजेस या फिर ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उनको हमने रखा है सम स्पेसिफिक डिजीज़ की कैटेगरी में। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ डिजीज़ वर्म्स। अ लार्वा कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज वर्म इन इन्फेक्टेड पर्सन एंड इट रिमेन्स इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन। इसका मतलब है कि जो वर्म्स होते हैं उनकी इमैच्योर स्टेज को बोलते हैं लार्वा। जब लार्वा कन्वर्ट होता है लार्ज वर्म में, मतलब इमैच्योर स्टेज से मैच्योर स्टेज में आता है, तो जब वो कोई पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो यह लार्वा से लार्ज वर्म बन जाते हैं और जो पर्सन है उसके इंटेस्टाइन में, मतलब आंतों में ये रहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, देयर आर एग्स ऑफ वर्म्स इन एक्सक्रीटरा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। और ये जो वर्म्स हैं वो जो एक्सक्रीशन करते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। दीज एग्स आर ग्रो इन सॉइल। और फिर ये जिन वर्म्स के जो एग्स हैं वो मिट्टी में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, अदर पीपल इन्फेक्टेड ड्यू टू इन्फेक्टेड फूड। तो इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जब वो एक्सक्रीशन करता है तो उस जो एक्सक्रीटरी पार्ट है उससे क्या होगा, दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये फूड के थ्रू हो सकता है या फिर डर्टी हैंड्स के थ्रू हो सकता है, या फिर जब वो लार्वा किसी पर्सन के स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो भी ये वर्म डिजीज़ फैल सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ वर्म कंट्रोल। जब हम इन वर्म्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो फर्स्ट है, चिल्ड्रन कैन गो टू स्कूल और आंगनवाड़ी डेली। रोज़ बच्चे स्कूल जा सकते हैं। कैसे, अगर उनको वर्म डिजीज़ हो जाएगी तो उनके पेट में दर्द हो सकता है या फिर उनकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो सकती है, बीमार रहते हैं तो वो स्कूल नहीं जा पाते। तो अगर हम इन वर्म्स को कंट्रोल करेंगे तो चिल्ड्रन आसानी से स्कूल जा पाएंगे या फिर आंगनवाड़ी में पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है, दे रिमेन एक्टिव एंड देयर इम्यूनिटी इंक्रीजेज। जब हम इन वर्म्स को कंट्रोल कर लेंगे तो बच्चे एक्टिव रहेंगे और उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग बनेगा, उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। और इम्यूनिटी इंक्रीज होते ही उनमें कैपेसिटी आ जाएगी, वो कैपेबल हो जाएंगे कोई भी डिजीज़ से लड़ने के लिए। एंड देयर ग्रोथ इज़ रैपिड। और उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट ये सब कंटिन्यू होने लगेगा। और अगर वर्म डिजीज़ हो जाती है तो ग्रोथ भी रुक जाती है और इम्यूनिटी सिस्टम भी बेकार हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम वर्म इन्फेक्शन। हम इन वर्म इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं या फिर हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। वॉश हैंड्स विथ सोप बिफोर मील्स एंड आफ्टर टॉयलेट। जब भी हम खाना खाते हैं या जब भी हम टॉयलेट से आते हैं तो हमें अपने हाथ को वॉश करना चाहिए साबुन से। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रॉपरली बिफोर यूज़। जब भी हम कोई फ्रूट्स वेजिटेबल खा रहे हैं तो हमें उससे पहले उनको अच्छे तरह से वॉश करना चाहिए। ड्रिंक क्लीन और बॉइल्ड वाटर। पीने के लिए हमें क्लीन वाटर या फिर बॉयल किया हुआ वाटर यूज़ करना चाहिए। कीप द एरिया नियर टॉयलेट्स क्लीन। और हमारे जो आसपास का एरिया है, टॉयलेट्स हैं, इन सबको अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए। कीप नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन। नाखून कटे हुए होने चाहिए और साफ होने चाहिए। वियर शूज़ पहनने चाहिए। ओपन सैनिटेशन शुड बी अवॉइडेड। जो ओपन सैनिटेशन जो एरिया होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। यूज़ टॉयलेट्स का यूज़ करना चाहिए। मैन टू चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अबाउट बेनिफिट्स ऑफ द वर्म कंट्रोल। और हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि वर्म कंट्रोल करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वर्म ऑन हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। ये वर्म्स बच्चों की हेल्थ पर क्या इफेक्ट डालते हैं। टायर्डनेस एंड रेस्टलेसनेस।
बच्चे बहुत थके थके रहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, स्टमक एक, पेट में दर्द रहना, वॉमिटिंग होना एंड डायरिया और डायरिया हो जाना, ब्लड विथ स्टूल, और जब भी उनको एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है तब ब्लड आना, स्वेलिंग इन द स्टोमक, स्टोमक का फूल जाना, पेट का फूल जाना, उसमें स्वेलिंग आना, कंटिन्यूस कफ रहना, लॉस ऑफ वेट और लगातार उनका वेट डिक्रीज होना, ये सब उनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं या फिर ये ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो वॉर्म से बच्चों पर पड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में। तो फर्स्ट है नारू या बाला डिजीज़, ये भी वॉर्म से होती है। इसका वॉर्म का नाम होता है गुनिया वॉर्म। इट इज़ कॉज्ड बाय वाइट थ्रेड लाइक राउंड वॉर्म्स, और ये राउंड वॉर्म से होते हैं जिनके स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक मतलब धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये 30 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर में होते हैं। ये ट्रांसमिशन मतलब ये फैलते किससे हैं, वाटर, ये बाय वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे चल जाते हैं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं। माइक्रोब्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइक्लो विच एंटर इनटू द बॉडी थ्रू वाटर, और ये वाटर के थ्रू बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब बहुत छोटे होते हैं साइज में, इनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, तो ये इन्फेक्टेड वाटर से हमारी बॉडी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज, मतलब इसके फैलने के या इस डिजीज़ के होने के क्या कारण हैं। तो फर्स्ट है ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, जब हम साफ पानी नहीं पीते हैं या फिर इम्प्योर पानी यूज़ कर रहे हैं कुएं का, पॉन्ड्स का या बावड़ी का, तो वहाँ से क्या होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है पानी में। जब हम इनको फिल्टर करते हैं या फिर बॉयल किया हुआ पानी यूज़ करते हैं तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो ये इनका कारण क्या हो गया कि जब हम गंदा पानी पीते हैं तो ये डिजीज़ हमें हो सकती है बाय वॉर्म। अब हम पढ़ेंगे इनके प्रिवेंशंस और सिम्टम्स के बारे में। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एक्ने ऑन स्किन ऑफ लेग्स एंड हैंड्स, लेग्स और हैंड्स की स्किन पर छोटे छोटे धब्बे होने लग जाते हैं। फीमेल वॉर्म्स ग्रो इन द मसल्स, और फीमेल वॉर्म्स मसल्स में ग्रो करने लगते हैं। सीवर पेन एट द स्पॉट ऑफ एक्ने, और एक्ने की जगह पर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है और फीवर होने लगता है। इफ़ द वॉर्म्स इज नॉट टेकन आउट टाइमली देन इट डाइज एंड रिलीज अ पॉइजनस सब्सटेंस विच कॉजेज नॉट्स, इसका मतलब है कि इन वॉर्म्स को अगर टाइम पर ख़त्म नहीं किया जाए तो ये अपने आप मर जाते हैं और एक पॉइजनस सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इससे बचने के क्या क्या प्रिवेंशन है, ड्रिंकिंग फिल्टर वाटर, हमें हमेशा फ़िल्टर किया हुआ वाटर यूज़ करना चाहिए, और बॉयल्ड वाटर या फिर हमें उस पानी को उबालकर यूज़ करना चाहिए ताकि उनमें जितने भी बैक्टीरिया है, वॉर्म्स है या फिर इम्प्योरिटीज़ है वो सारी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास लेप्रोसी। लेप्रोसी डिजीज़ बैक्टीरिया से फैलती है और इसके फैलने का कारण ये होता है ड्यू टू कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट, अगर किसी के लेप्रोसी डिजीज़ है, अगर हम उससे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो ये हमें भी फैल सकती है। इसके सिम्टम्स हैं रैशेज ऑन द स्किन, स्किन पर रेड रेड रैशेज हो जाना, दीज रैशेज आर इनसेंसिटिव, ये रैशेज इनसेंसिटिव होते हैं, देयर इज़ नो सेंसेशन ऑफ इंजरी, यहाँ पे हमें कुछ भी सेंसेशन फील नहीं होता है, मतलब ना तो हमें उन रैशेज को टच करने पर ना तो हमें पेन फील होता है ना ही हमें इचिंग होती है, बस ये रैशेज स्किन पर होते हैं और इनमें मतलब बॉडी पेन हो सकता है। इफ़ इट इन एक्सेस देन द कंटेमिनेटेड ऑर्गन कैन स्टॉप वर्किंग, अगर ये ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं ये रैशेज, तो जिस ऑर्गन पर ये रैशेज हो रखे हैं वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा क्योंकि वहाँ पर सेंसेशन फील नहीं होगा और धीरे धीरे वो पूरा तरह से काम करना बंद कर देगा, हमें उस ऑर्गन को सेपरेट भी करना पड़ सकता है। डिफॉर्मिटी इन द फिंगर्स, और फिंगर्स में ऐसे इचिंग जैसे होना या फिर डिफॉर्मिटी हो जाना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में, ऐसे पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट देने चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सच पर्सन शुड बी आइसोलेटेड, उस पर्सन को आइसोलेटेड मतलब अलग रखना चाहिए। द थिंग्स यूज्ड बाय सच पर्सन शुड बी आइसोलेटेड, और जो भी सामान वह यूज़ करता है उसको भी अलग रखना चाहिए। वॉश द क्लोथ्स विद डिटॉल, और उनके क्लोथ्स
या फिर उनकी जो चीज़ें यूज़ ले रहे हैं उनको डेटॉल से साफ करना चाहिए ताकि वो किसी और पर्सन पे ना फैले। इसकी ट्रीटमेंट है सर्जरी, वैक्सीनेशन, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल ऑर्गन इफ़ द होल ऑर्गन गेट्स डैमेज्ड। लेप्रोसी डिजीज़ के 3 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो सर्जरी या फिर वैक्सीनेशन, उनको वैक्सीन दी जाती है, या फिर आर्टिफिशियल ऑर्गन को लगाया जाता है। जब ऑर्गन पूरी तरह काम करना बंद कर देता है तो उस ऑर्गन की जगह आर्टिफिशियल ऑर्गन लगाया जाता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक डिजीज़ है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज़ एन इनक्यूरेबल लाइफ टेकिंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकती है, इन विच द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द पेशेंट इज़ डैमेज्ड। और ये एक ऐसा डिजीज़ होती है, ऐसा सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम क्या होता है? पूरे डिजीज़ का एक ग्रुप, मतलब जिसमें बहुत सारी आपको बीमारियां हो सकती है। तो ये एक सिंड्रोम होता है, इसमें इम्यूनिटी सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और जब इम्यूनिटी सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा तो हमें बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम हमें इम्यूनिटी देता है जिससे हमें कैपेसिटी या फिर पावर मिलती है डिजीज़ से लड़ने की। तो जब इम्यूनिटी सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा तो उस पर्सन को बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। बहुत सारी बीमारियां जब हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। द पर्सन लॉस्ट हिज कैपेसिटी टू फाइट डिजीज़। और इस टाइप के पर्सन अपनी सारी कैपेसिटी खो देते हैं डिजीज़ से लड़ने की। कॉजेज क्या होते हैं, ये किस कारण फैलता है? इट इज़ स्प्रेड ड्यू टू HIV। ये HIV के कारण फैलता है। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV एक वायरस है, इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये इस वायरस के थ्रू फैलता है, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअली कॉन्टेक्ट, या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये सेक्शुअली कॉन्टेक्ट से फैल सकता है। यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड अनस्टरलाइज्ड नीडल, या फिर ऐसे नीडल या ऐसे इंजेक्शन यूज़ करने से जो साफ किए नहीं हो, या फिर उनमें कुछ बैक्टीरिया या वायरस लगे हुए हों। जैसे मान लो किसी पर्सन को एड्स है, अगर उसका ब्लड चेक हो रहा है या फिर उसको कोई भी इंजेक्शन लगा रहा है, या अगर वो इंजेक्शन किसी और इंसान के बॉडी में चला गया, उसी इंजेक्शन से किसी और को वैक्सीनेशन दे दिया गया, तो उस पर्सन को भी एड्स हो सकता है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और टेकिंग इंजेक्शन। जब मतलब ब्लड चढ़ाते हैं एक दूसरे में या फिर इंजेक्शन लगाते हैं, तो अगर एक ही नीडल का यूज़ किया जा रहा है, एक इंजेक्शन का यूज़ किया जा रहा है, तो उससे भी ये वायरस फैल सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू ऑफ स्प्रिंग इन वॉम, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके वॉम में कोई बच्चा है, ठीक है, तो उस माँ से उस बच्चे में भी ये एड्स फैल सकता है। अब हम पढ़ेंगे इस डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स हैं, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में। स्वेलिंग इन द लिम्फ ग्लैंड्स, इसमें लिम्फ ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है। डिक्रीजेस इन द प्लेटलेट्स काउंट, और हमारी जो प्लेटलेट्स हैं, ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो डिक्रीज होने लग जाती है, विच रिजल्ट इन फीवर। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? फीवर हो जाता है और ब्लीडिंग होने लग जाती है। स्वीटिंग एट नाइट, अचानक से नाइट में बहुत ज़्यादा पसीने आना, वेट लॉस होना, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस होना, कुछ भी याद नहीं रहना, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग एंड टॉकिंग एबिलिटी, कुछ बोलने में परेशानी होना या फिर सोचने में परेशानी होना। द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑफ अदर डिजीज़ इंक्रीजेज ड्यू टू वीक इम्यूनिटी, और इस डिजीज़ में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे बहुत सारे डिजीज़ फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके प्रिवेंशन क्या क्या है? वाइल शेविंग, मेक श्योर दैट एवरी टाइम अ न्यू ब्लड इज़ यूज्ड। जब भी शेविंग करते हैं कोई भी, मतलब जैसे कोई मेल पर्सन की हो रखी है, तो जब भी वो शेव करेगा तो ब्लेड को अलग यूज़ करना, हर बार ब्लेड को चेंज करते रहना, क्योंकि उससे भी ये वायरस फैल सकता है। HIV टेस्ट बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूशन, जब भी आप ब्लड को डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम हमेशा HIV टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि किसी दूसरे पर्सन को ये ना होए। डिस्ट्रॉय द सीरेंज आफ्टर अ सिंगल यूज़, और सीरेंज को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए एक सिंगल यूज़ के बाद, मतलब एक सीरेंज को दो पर्सन के नहीं लगाना चाहिए, उसका सिंगल यूज़ करना चाहिए। लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल, और हमेशा एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल को यूज़ करना चाहिए ताकि डिजीज़ से बचा जा सके। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता,
इससे सिर्फ बचा जा सकता है, सावधानियाँ रखी जा सकती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में लिखा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऑफ एड्स, एड्स से बचने के लिए इसकी प्रिवेंशन ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट स्पेसिफिक डिजीज़ है कैंसर। इट इज़ अ डेडली डिजीज़, ये एक डेडली डिजीज़ है, मतलब इसमें इंसान दो तीन स्टेज के बाद मर जाता है अगर इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। कॉजेज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, जब सेल डिवीज़न अनकंट्रोल हो जाता है या फिर रैपिडली होने लगता है, कंटिन्यूस नहीं रहता है, तो ये डिजीज़ होती है। जब सेल डिवीज़न होता है तो अगर ये कंट्रोल में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये अनकंट्रोल हो जाता है तो यहाँ सेल्स बहुत सारी इकट्ठी होने लग जाती है, और वो सेल्स इकट्ठी होकर एक गुच्छा सा बना लेती है, बंच बना लेती है, जिसको ट्यूमर कहा जाता है, और ट्यूमर की अगली स्टेज होती है कैंसर। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? अ ट्यूमर इज़ फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, जब सेल डिवीज़न होता है तो बहुत सारी सेल्स मिलकर एक गुच्छा जैसा बना लेती हैं, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं ट्यूमर। और ये ट्यूमर तभी बनता है जब सेल डिवीज़न अनकंट्रोल हो जाता है। द ट्यूमर इज़ पेनीलेस ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज, एट लेटर स्टेज देयर इज़ अ इनटॉलरेट पेन इन द ट्यूमर, और धीरे धीरे ये स्टेज बढ़ती जाती है और उस ट्यूमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है जो असहनीय होता है। इट कुड बी इन द टंग, ये टंग में हो सकता है, थ्रोट में हो सकता है, बोन्स में हो सकता है, ब्लड में हो सकता है, ब्लड कैंसर, लंग्स कैंसर, टंग कैंसर, ये सभी जगह कैंसर कहीं भी हो सकता है, ट्यूमर कहीं भी हो सकता है, ये ब्रेन में भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो इसकी प्रिवेंशन है, इफ़ इट इज़ आइडेंटिफाइड एट अर्लियर स्टेज, मतलब जल्दी इसका पता चल जाए, देन द लाइफ ऑफ पेशेंट कुड बी सेव्ड, तो पेशेंट की लाइफ बचाई जा सकती है। अगर सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में पता चलता है तो पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें कैसे सेव किया जाता है? कोबाल्ट रेडियोथेरेपी, कोबाल्ट जो एलिमेंट है उसके थ्रू रेडियोथेरेपी दी जाती है, जिससे पेशेंट की लाइफ बचाई जा सकती है, कैंसर को कम किया जा सकता है। और कीमियोथेरेपी की जाती है, रिमूविंग द कैंसरस ऑर्गन इफ़ नेसेसरी, या फिर जिस ऑर्गन में कैंसर हुआ है, जैसे अगर टंग में हुआ है तो टंग को अलग कर दिया जाता है, मतलब उस ऑर्गन को अगर नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो उस ऑर्गन को अलग कर दिया जाता है ताकि ये पूरे बॉडी में ना फैले। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बाय सर्जरी, कैमियोथेरेपी एंड कोबाल्ट रेडियोथेरेपी। नेक्स्ट डिजीज़ है हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से फैलता है, और वो वायरस वाटर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या फिर किसी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। इसके सिम्टम्स होंगे वीकनिंग ऑफ लीवर, लीवर का वीक होना, वाटर इन द लीवर, लीवर में पानी भर जाना, और इनडाइजेशन, डाइजेशन की प्रोसेस पूरी तरह से नहीं होना। इसके प्रिवेंशन है यूज़ बॉयल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन टीका लगाना और बॉयल्ड वाटर का यूज़ करना। ट्रीटमेंट हो जाएंगे एंटीबॉडीज़ अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के अकॉर्डिंग हमें एंटीबॉडीज़ दी जाती है, जिससे इस डिजीज़ को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट डिजीज़ है हीमोफीलिया, इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, मतलब ये जीन्स के थ्रू फैलती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है जीन्स के थ्रू, मतलब जेनेटिक होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़, इट्स जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स ऑफ मेल्स एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय फीमेल्स, जैसे कोई भी फीमेल है जब उस बर्थ करवाते हैं, कोई बच्चा होता है, तो माँ के थ्रू उसमें बच्चे में ये आ सकती है। सिम्टम्स होंगे ब्लड फ्लोस कंटिन्यूसली इवन ऑन ए स्मॉल इंजरी, कोई भी छोटी सी चोट लगने पर ब्लड का कंटिन्यूस बहना, मतलब ब्लड का क्लोट नहीं जमता है, ब्लड डजेंट क्लोट, रिजल्ट इन डेथ ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, और बहुत ज़्यादा जब ब्लड बहने लग जाता है छोटी सी चोट पर, तो ब्लड की कंटिन्यूसली कमी होने लगती है बॉडी में, जिससे डेथ भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑन टाइम, तुरंत टाइम पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड चढ़ा दिया जाए उस पर्सन को, ताकि ब्लड की कमी ना हो। नेक्स्ट डिजीज़ है फूड पॉइजनिंग, नाम से ही पता चल रहा है, जब फूड पॉइजनस हो जाता है तो उससे होने वाली डिजीज़ को फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। ड्यू टू द माइक्रोबियल कंटेमिनेटेड फूड,
जब कोई फूड कंटेमिनेटेड मतलब है जब उसमें वायरस आ जाते हैं या फिर वो पॉइजनस हो जाता है तो ऐसे फूड को हम बोलते हैं कंटेमिनेटेड फूड। ये कंटेमिनेटेड फूड खाने से फैलता है। इसके सिम्टम्स हैं वॉमिटिंग होना, कॉजेस हो जाएंगे माइक्रोब्स प्रोड्यूस अ पॉइजनस सब्सटेंस इन कंटेमिनेटेड फूड विच मेक्स द फूड पॉइजनस। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, वो फूड में एक ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस को फैला देते हैं जिससे पूरा फूड पॉइजनस हो जाता है। और जब हम उस फूड को खाते हैं तो ये वायरस हमारे अंदर चल जाता है और हमें वॉमिटिंग होने लगती है। प्रिवेंशन क्या होगे? अवॉइड कंटेमिनेटेड फूड। ज़्यादा देर तक रखा हुआ खाना हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि जब वो खाना बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है तो वो सड़ जाता है, उसमें वायरस पनपने लगते हैं जिससे वो पॉइजनस हो जाता है। और अगर हम उनको खा लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर पॉइजनस सब्सटेंस आ जाते हैं, हमें वॉमिटिंग होने लगती है। और अगर ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट होगा टाइमली डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर के एडवाइस से हमें ध्यान रखना चाहिए अपना और दवाइयाँ लेनी चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ है स्वाइन फ्लू। ये कुछ ईयर पहले आई थी और काफ़ी ज़्यादा फैली थी। इसके कॉजेज़ क्या है? कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अनटाइडी एंड इन्फेक्टेड हैंड्स। ये बहुत जल्दी फैल जाती है जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कॉन्टैक्ट होता है, मतलब एक दूसरे को टच करने से, एक दूसरे के साथ बैठने से भी ये फैल जाती है। और अनटाइडी एंड इन्फेक्टेड हैंड या फिर गंदे हाथ या फिर इन्फेक्टेड हाथ किसी वस्तु के हमने लगा दिए, किसी चीज़ के हमने लगा दिए, तो अगर उसको कोई और टच करेगा तो ये उससे भी फैल सकते हैं। इसके सिम्टम्स हैं डिफ़िकल्टी इन थ्रोट। थ्रोट क्या होता है? गला, गले में कफ जम जाना, कॉल्ड होना, फीवर होना, बोलने में दिक्कत होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इसके प्रिवेंशन है वॉश योवर हैंड्स विथ सॉप फ्रिक्वेंटली। टाइम टाइम पर हमें अपने हाथों को धोते रहना चाहिए पानी और साबुन से। यूज़ हैंकरशेफ और हमें रुमाल का यूज़ करना चाहिए, टिश्यू पेपर का यूज़ करना चाहिए जब भी हम खांसते हैं या छींकते हैं। अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड एरिया, भीड़ भाड़ी वाली जगहों से हमें दूर रहना चाहिए। और मास्क का यूज़ करना चाहिए ताकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कफ या फिर स्नीजिंग के थ्रू ये ना फैले। और इसका ट्रीटमेंट है टैमीफ्लू टैबलेट्स। इसकी एक टैबलेट्स आती है टैमीफ्लू जो डॉक्टर द्वारा दी जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट डिजीज़ है एनीमिया। एनीमिया डिजीज़ का फैलने का कारण होता है आयरन की कमी, ब्लड की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी। अगर इन तीनों की कमी हो जाती है तब हमें एनीमिया रोग हो जाता है। इसके सिम्टम्स हैं वाइटनेस ऑफ फेस, फेस का या फिर स्किन का कलर वाइट हो जाना या पीला हो जाना। जब होता है जब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर वाइट होने लग जाता है। वीकनेस रहना, टायर्डनेस, थके थके रहना, वाइट ब्लिस्टर ऑन द टंग और टंग पे वाइट लेयर जम जाना, ये इसके सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन क्या होंगे? इनटेक ऑफ न्यूट्रियस फूड। हमें न्यूट्रियस मतलब जिनमें भी न्यूट्रेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ऐसे फूड को हमें खाना चाहिए। स्प्राउटेड ग्रेन्स, भुने हुए चने या फिर स्प्राउट्स खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, अंजीर, बीट रूट, ब्रिंजल, इन सब का हमें यूज़ करना चाहिए। कहने का मतलब है हमें हेल्दी फूड्स खाना चाहिए हमें हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, ताकि जितनी भी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, आयरन की, ये सारी पूरी हो सके और हमें एनीमिया ना हो। इसका ट्रीटमेंट है आयरन टैबलेट्स। एनीमिया वाले पेशेंट को आयरन टैबलेट्स दी जाती है ताकि उसमें आयरन की कमी ना हो। नेक्स्ट डिजीज़ है डेंगू। डेंगू एक वायरल डिजीज़ होती है जो चार टाइप के डेंगू वायरस द्वारा फैलती है। इट इज़ अ वायरल डिजीज़ कॉज्ड बाय वन ऑफ द फोर टाइप्स ऑफ डेंगू वायरसेस। ट्रांसमिशन ये फैलती कैसे हैं? इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। हमें हमेशा फीमेल मच्छर काटते हैं और डेंगू कौन सा मच्छर फैलाता है? फीमेल एडीज एजिप्टी नाम का मच्छर। इसके कॉजेज हैं ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज इन द डर्टी वाटर। जैसे कोई पानी भरा हुआ है, कूलर में पानी भरा हुआ है और वो बहुत टाइम तक पड़ा रहता है तो उसमें ये मच्छर पनपने लग जाते हैं। ड्यू टू ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का फैलना, मॉस्किटोज का ग्रोथ होना, ड्यू टू मॉस्किटो बाइट्स, जब हमें मच्छर काट जाते हैं तो उससे भी हमें डेंगू फैल सकता है।
ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो इन द कूलर वाटर, कूलर का पानी भरा हुआ है, बहुत टाइम तक हमें पानी छोड़ना नहीं चाहिए भरा हुआ, क्योंकि उसमें मच्छर पनपने लगते हैं और जब ये मच्छर हमें काटते हैं तो हमें डेंगू मलेरिया जैसी डिजीज़ हो जाती है। और इसके क्या कारण होते हैं? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड एंड अनहाइजीनिक कंडीशन, ब्लड की कमी से भी ये डिजीज़ होती है, और हाइजेनिक कंडीशन मतलब प्रॉपर तरह से क्लीन नहीं रखना आसपास का एरिया, उस वजह से भी ये मच्छर ज़्यादा पनपते हैं और डेंगू फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? आफ्टर 3 to 14 days ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर अपीयर्स। 3 से 14 दिन के अंदर क्या होता है, जब ये मॉस्किटो बाइट करते हैं, जब ये मच्छर काटते हैं, तो उसके 1 week बाद उस पेशेंट को या उस पर्सन को फीवर होने लग जाता है। और क्या क्या होता है? फीवर आफ्टर शिवरिंग, ऐसे कपकपा के ठंड लगना या फिर फीवर चढ़ जाना, हेडेक रहना, सिर दर्द रहना, आँखों में पेन होना, बॉडी एक और जॉइंट पेन, जॉइंट्स में पेन होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग होना, डायरिया हो जाना, और स्किन पर रेड रैशेज होना, ब्लीडिंग फ्रॉम आइज एंड नोज इन सेवर्ड कंडीशन, और कुछ ऐसे कंडीशंस भी आ जाती है जिसमें नोज और आइज से ब्लड आने लग जाता है। इसके प्रिवेंशन क्या होंगे? डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैंड इन एंड सराउंडिंग योर हाउस, अपने आसपास के एरिया में पानी को भरा हुआ नहीं रखना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स इन द हाउस, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं कीटनाशक, मतलब जो इंसेक्ट्स को मार देते हैं ऐसी दवाइयाँ, तो आसपास उनका छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। इफ़ अ कंटेनर ऑलवेज हैज़ वाटर देन वॉज इट प्रॉपरली विथ सॉप एंड वाटर सो एज टू रिमूव द मॉस्किटो एग्स। अगर कोई ऐसा कंटेनर है जिसमें हमेशा पानी भरा हुआ रहता है तो उसको टाइम टाइम पर, जैसे टंकी वगैरह है, उनको टाइम टाइम पर साफ करना चाहिए ताकि जो मॉस्किटो के एग्स हैं, लार्वा हैं उनके, वो नष्ट हो जाएं। इफ़ नॉट इन यूज़ देन ड्रेन आउट द कूलर वाटर एंड ड्राई इट कम्प्लीटली। अगर यूज़ में नहीं आ रहे हैं तो ऐसे कूलर वगैरह को साफ करके रख देना चाहिए ताकि उनमें पानी ना भरे। यूज़ नेट ऑन द डोर्स और विंडोज़, और नेट यूज़ करना चाहिए, पर्दे यूज़ करने चाहिए, कवर द बॉडी कम्प्लीटली, बॉडी को एकदम कम्प्लीटली कवर करके रखना चाहिए। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट एट नाइट, और रात में मॉस्किटो नेट लगा के सोना चाहिए, जैसे गुड नाइट वगैरह है, इन सब का यूज़ करना चाहिए ताकि ये मच्छर मर जाए। नेक्स्ट है, यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे क्रीम एट्सेट्रा, मतलब मच्छरों को मारने वाले स्प्रे या फिर ओडोमॉस जैसी क्रीम यूज़ करनी चाहिए। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास का एरिया क्लीन रखना चाहिए। इफ़ एनी वन नियर यू इज़ फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम डेंगू देन प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन टू द मेडिकल डिपार्टमेंट। अगर आपके आसपास ऐसा कोई पेशेंट है जिसको डेंगू हो रखा है तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और उसको मेडिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उनको इमिडिएटली मैनेज करना चाहिए ताकि मॉस्किटो कंट्रोल हो सके और उस पेशेंट को बचा सके। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? पेशेंट शुड टेक रेस्ट एट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए। शुड टेक मेडिसिन प्रॉपरली, मेडिसिंस को टाइम पर लेना चाहिए, रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, और प्लेटलेट्स शुड बी डन, और प्लेटलेट्स को चेक करवाना चाहिए कि प्लेटलेट्स डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स गिरती है कंटिन्यूसली। यहाँ हमने एक टर्म देखी, वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होती है? अ वैक्सीन इज़ अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन डिजीज़। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें बहुत सारी डिजीज़ से बचाता है या प्रोटेक्ट करता है। वैक्सीनेशन कंटेन अ डेड और वीकेंड वर्जन ऑफ अ माइक्रोब। इट हेल्प्स योर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय द लिविंग माइक्रोब ड्यूरिंग अ फ्यूचर इन्फेक्शन। ये वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है, वैक्सीन को बोलते क्या है, टीका। टीका क्यों लगवाते हैं? ताकि हम उस डिजीज़ से बच सकें। यह हमें हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में। हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स होती हैं। मेमोरी सेल्स का काम क्या होता है? कोई भी बाहर से इन्फेक्शन आ रहा है तो वो उसको याद रखती है कि इस तरह का कोई वायरस या बैक्टीरिया से ये डिजीज़ होती है। जब दोबारा ये वायरस हमें अटैक करता है तो ये मेमोरी सेल्स उसको अटैक नहीं करने देती है, क्योंकि हमने वैक्सीन यूज़ कर ली थी, हमने वैक्सीन लगवा ली थी, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया था और हमारे इम्यून सिस्टम ने उस बीमारी को पहचान लिया और हमें उस बीमारी से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये वैक्सीन का काम होता है।
तो आज की क्लास में हमने वॉर्म से होने वाली डिजीज़ पढ़ी और कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।